नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग जानते हैं कि अब लूथरा परिवार और इधर आप लोग जानते ही हैं कि प्रीता का परिवार में अलग अलग तरीका से टेंशन हो रही है, क्योंकि प्रीता का बेटा यहां अब इस समय लड़की को प्रपोज करने जा रहा है और वो पाखी भी जो कि वाकई में राजवीर को पसंद कर रही है। वहीं बात की जाए कहानी की दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट में आप लोग जानते ही हैं कि इस समय निधि में जो बहुत ज़्यादा बहस चल रही है, निधि और करण में। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अगर करण किसी का बिगाड़ा हुआ है तो वो किसी और का नहीं बल्कि निधि का ही है, और ये बात करण ने बोल दिया है निधि से कि निधि तुम चाहती हो कि मैं बिजनेस में साथ लूँ, लेकिन मैं किसी का भी इस बिजनेस को देने वाला नहीं हूँ, और जिस तरीका से तुमने सौर्या को बिगाड़ा है वो पूरे घर को पता है, क्योंकि तुम्हें समय देना चाहिए था सौर्या को और तुमने ही समय नहीं दिया है। इस चीज़ की जिम्मेदारी तुम्हारी पूरी तरीका से है, तो इस चीज़ से तुम भाग नहीं सकती। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय बहुत ही गंदी तरीका से बरसता हुआ नजर आ रहा है करण। करण ने बोल दिया है कि मैंने इतने अच्छी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया है, लेकिन निधि तुमसे एक बच्चा संभाला नहीं गया और एक बच्चा आज इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि तुम्हारे कंट्रोल से भी बाहर हो चुका है। और वाकई में दोस्तों इस समय सौर्य एक ऐसा बिगड़ा हुआ लड़का है जो पूरी अय्याशी करता है, पूरी ड्रिंकिंग, पूरी अश्लीलता फैलाता हुआ नज़र आता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये कहानी एक नया मोड़ क्या लेती है। जी हाँ, क्योंकि कहानी में जहाँ पर नया मोड़ इस तरीका से आया कि इस समय निधि को बिल्कुल नापसंद करने लगा है करण, और निधि को मानता है कि मेरा बेटा अगर किसी का बिगाड़ा हुआ है तो वो कोई और नहीं है बल्कि वो निधि ही है। निधि को कसूरवार तो मानता ही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली कहानी और क्या नया मोड़ लेती हुई नजर आती है दोस्तों। साथ ही आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक।